मनिका श्योकंद का पंचकुला में उनके घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्थानीय लोग पहुंचे। मनिका श्योकंद ने कहा कि उन्होंने हरियाणा की तरफ से हिस्सा लेते हुए यह खिताब जीता है। अब वह इंटरनेशनल स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस मुकाम में पहुंचने के लिए उनके माता पिता और दोस्तों ने उनका पूरा साथ दिया है। मनिका ने कहा कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और लड़कियों को भी खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हरियाणा की बेटियों में बहुत दम है, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, का मौका देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ निकल जाए। बहुत जोर शोर से चल रही है, मतलब अब इंटरनेशनल पेजेंट पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो अपना पूरा बेस्ट देंगे। मनिका श्योकंद के अभिभावकों ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्हें खुशी है कि समाज में उनकी पहचान मनिका के कारण बनी है। इससे बड़ी बात माता पिता के लिए क्या होगी। प्राउड हो रहा है, इतना प्राउड कि मेरे पास लफ्ज नहीं है कहने के लिए, और बहुत खुशी हो रही है। मैं मुझे नहीं पता इतने उस पे जाएगी मेरी बेटी, पर मुझे यकीन था कि वो एक दिन जरूर अच्छा जीतेगी। बहुत मेहनती और सेंसिबल बेटी है मेरी। क्यों का वहाँ से आगे आना और हमारी सपोर्ट करना प्रदेश के लिए बड़ी गर्व की बात है और हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, हर काम में बड़ी होशियार थी। कभी मैंने तो ये भी नहीं देखा कब क्लास में गई, कितनी पढ़ गई, मेरिट ही आती थी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मनिका ने पंचकुला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बस शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से मैं बेटी मनिका का यहाँ पंचकुला पधारने पर स्वागत करूँ, उसने केवल पंचकुला का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया है। और मैं समझता हूँ, मैं विश करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं जो आने वाला कॉन्टेस्ट है मिस ग्रैंड का, उसमें भी वो सफल होकर के आएँ